राजधानी देहरादून में भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर अपना चुनावी प्रत्याशी तय करेगी और इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सारी भावी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हम हर चुनाव में सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव, उसके लिए प्रदेश की प्रेक्षक टोलियां भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिकों में जाएगी। प्रत्याशियों कार्यकर्ता राय शुमारी का प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव को जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर पालिका नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत हमारी इस बार भी रहेगी।